बिग बॉस सीजन 14 की पहली कंफर्म्ड सदस्य इस वक्त रेड जोन पहुंच गई हैं। बिग बॉस में आए सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला जब से शो से गए हैं तब से निकी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक तरफ जान के साथ उनके रिश्ते में दरार आ चुकी है तो वहीं दूसरी ओर घर वालों के निशाने पर भी रहती हैं। वो बात और है कि स्क्रीन पर दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं निकी। आइए आपकी खास मुलाकात करवाते हैं शहजाद देओल से जो बिग बॉस सीजन 14 से एविक्ट हो चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि निकी को लेकर उनकी क्या राय है। अच्छा शहजाद एक चीज बताइए, निकी का पैर छूने वाला ड्रामा क्या था जो उन्होंने हुना खान का पैर छुआ था? मैंने वो देखा नहीं, मेरे निकलने के बाद हुआ, मैंने देखा नहीं। राइट तो आई वाज लाइक ये कर क्या रही है, लिटरली निकी पैर छूनी है ना खान से, तो आई वाज लाइक ये ड्रामा हिना खान वाज लाइक ये आरुवा ना का वाज शी वाज लाइक दिस, तो मुझे लग रहा है कि ये निकी किस लेवल तक ड्रामा कर सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, रेड जोन में चली गई थी ये भी आपने देखा होगा, कुछ भी करो बट देखो, देखना जरूरी है। ठीक है, छोटी से छोटी बात पे मुद्दा बना लो, ऐसा जो आपने अब जैसे बताया पैर छूने वाला मैंने देखा नहीं, ऐसा कुछ कर लो, बस लोगों को देखो। वो एक डेढ़ हफ्ता आप स्टार्टिंग में रजिस्टर हो जाओगे लोगों की आंखों में, माना ओके, बट उसके बाद आपकी जजमेंट बनेगी और वो जजमेंट आप कैसी चाहते हो, आप अच्छी चाहते हो या आप ये ड्रामे वाली चाहते हो या आप नेगेटिव चाहते हो, इरिटेटिंग चाहते हो, जजमेंट बनेगी और दिखेंगे सब इवेंचुअली। निकी को क्या है कि उसको बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा दिखना है, right. वो डेस्परेट मूव लगता है, वो डेस्परेशन में कई बारी इंसान गलतियां कर देता है। मुझे लगता है निकी को कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का सपोर्ट मिल रहा था और अब निकी रोती है पवित्रा के सामने जाकर के, रोती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब लोग धोखेबाज हैं और वो टूट गई है। मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ के जाने के बाद, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मेरे को तो पता है सिद्धार्थ की उसमें वो काफी थी इन्फ्लुएंस में, इन्फ्लुएंस में मतलब सिद्धार्थ के शैडो में, तो जब वो गए तो उनकी एक इंडिविजुअलिटी थोड़ी सी हिली होगी और अब वो कैसी चीज को लेती हैं, वो उनका स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट बताएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है वो मेंटली और उस चीज को कैसे हैंडल करती हैं।